प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदर तहसील में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के लिए जो मुझे करना होगा वो मैं करता रहूंगा, किसी बाहुबली से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और शहर पश्चिमी से निवर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद बना हुआ है, भाजपा की शानदार जीत होगी। उसमें बहुत सुधार हुआ 2017 से, लेकिन जो 20 साल पुरानी जो खाई है उसको अभी भी भरना है। इसलिए जो एक मैंने कहा था, मैं मोदी जी का 2017 में कहा था, वो कार्य अभी और करना है, मोदी जी के विकास को और आगे ले जाना है। और मैंने अब 2022 के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ बुलडोजर सीएम का, और इसलिए जितने भी अवैध हैं निर्माण जो हुए थे उसके ऊपर बुलडोजर जो चलाया जा रहा है भूमाफियाओं के ऊपर, बाहुबलियों के ऊपर, वैसी बहुत बड़ी जमीन मेरे शहर पश्चिमी विधानसभा में है 200 बीघा, उसके ऊपर गरीबों के आवास बनाना शुरू करना है। और मैंने एक ट्रेलर दिखाया है विकास का, और मैंने ट्रेलर दिखाया है कि भू माफिया की जमीन पर गरीबों के आवास कैसे बनते हैं। अब पिक्चर पूरी बाकी है, वो 5 साल में पूरी करूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।